भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग की ओर से जयपुर में कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय भू रासायनिक मानचित्रण और राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक डेटा रिपोजिटरी के अनुप्रयोग विषय पर आयोजित कार्यशाला में देश भर की भूवैज्ञानिक डेटाबेस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। जीएसआई पश्चिमी क्षेत्र के अपर महानिदेशक आरपी नागर ने बताया कि इस डेटा को कृषि, पर्यावरण, भूजल प्रदूषण आदि क्षेत्रों में अनुप्रयोग किया जा सकता है। आज जो आयोजित कर रहे हैं उसके अंदर हम ये देखना चाहते हैं कि जो हमारे जो एनजीसीएम का हमने जितना भी डाटाबेस निकाला है उसको जो है मिनरल एक्सप्लोरेशन के अलावा भी हम लोग दूसरी चीज़ों के अंदर उपयोग कर सकते हैं। एग्रीकल्चर, पॉल्यूशन कंट्रोल और फॉरेस्ट्री, इन सब के अंदर इस चीज़ का उपयोग हुआ और इन सब के बारे में बताने के लिए जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की तरफ से एक जो है एक नेशनल जियोसाइंस रिपोजिटरी का पोर्टल भी बनाया गया है। उसके अंदर ये सारी चीज़ें और जीएसआई के अलावा भी जो दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके जितने भी जो है मतलब जियोसाइंस से रिलेटेड डाटा हैं वो सब जो है मतलब इसके अंदर हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप सब यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं वो सब इसके अंदर जो है मतलब अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे और ये जो मिनिस्ट्री का जो नया जो मतलब इनिशिएटिव हुआ है उसको उसका उसके अंदर जो है उसका पूरी तरह से लाभ उठा के अपने भारत की प्रगति में अपने पूर्ण योगदान देंगे।